मीरा भी उस समय पर रही, रूपा भी रही, टोला भी रही, नहीं तो इस तरह से जो जो भी संसद हुए उनको इतना लंबा समय हो गया। और ये सब लोग भारतवर्ष के मुताबिक सब लोग निचले तबके के थे, और निचले तबके के होने की वजह से इनकी वाणी को कौन गाएगा, इनकी वाणी को जनमानस के बीच में कौन रखेगा। तो आप हमारे जो इसी दायरे में बनने वाले जो लोग थे उन्होंने उसको मौखिक रूप से जिंदा रखा, और गा गा करके और बजा बजा करके आज तक वो वाणियां जिंदी हैं, वो अमर है। क्योंकि मौखिक रूप से जिन लोगों ने गाया उन्होंने इन चीजों को जिंदा रखा। किताबों के मार्फत वो लोग बहुत कम रही, इनके बारे में किताबों में बड़े बड़े ग्रंथ नहीं लिखे गए, मौखिक रूप से जिंदा रखा। और वो आप जैसे महानुभाव ने जिंदा रखा, हमारे उन बुजुर्गों ने जिंदा रखा, जिसकी वजह से आप और हम सब भी वर्तमान समय में लगभग 300 साल के एक आदमी साक्षी है।